जय श्री कृष्ण। सो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का पवित्र जड़ा त्यौहार है वो जल्द जड़ा वा अमृतसर दे विच जेकर करिए तो इस्कॉन मंदिर दे विच एक भव्य नज़ारा देखने मिलेगा। इस्कॉन मंदिर जेकर गल करिए सो इस्कॉन मंदिर लक्ष्मणसर चौंक उस तो बाद वृंदावन गार्डन, लेकिन जड़ा एक भव्य नज़ारा दिखेगा वो बीरबलपुरा के जड़ा इस्कॉन मंदिर है गौशाला जड़ा गा वा वो देखने मिलेगा। और देख सकते हो मंदिर दे विच जड़ी तैयारियां वो शुरू होने लगी है। जन्माष्टमी का इत्थे पहली बार जड़ा वा पावन पर्व मनाया जाएगा। सो असी पंडित जी नाल गल करते हैं, पंडित जी मनोहर जड़े दास है उन्होंने गल करते। पंडित जी किस तरह की तैयारी, कैसी तैयारी रहेगी इस बारी पहली बार जन्माष्टमी जो गौशाला में बीरबलपुरा में मनाया जा रहा है? देखिए जी, अभी तो तैयारियां हो रही हैं और जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो तब सब लोग देखेंगे कितना हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक बार भव्य नजारा जो बीरबलपुरा में भी नजर आएगा। इस्कॉन की अपनी ही अलग पहचान है और भक्ति रस में जो लोग यहाँ पे रसे होते हैं उनका भी एक भव्य दर्शन जो करने को मिलेगा। हाँ, वो जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके कि वो आदमी जुटने पर है, जितना भक्त लोग जुटेंगे पहले आएंगे थोड़ा कुछ सहयोग करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। अभी नया मंदिर है इसमें कोई ज्यादा भक्त तो आते नहीं है इसलिए। लेकिन इस बार जो मंदिर का भव्य नजारा है भक्त आएंगे, सो भक्त एक बार जो भक्ति का रस देखेंगे तो एक भव्य दर्शन करेंगे तो खुद ब खुद भक्त जो जुड़ते जाएंगे, क्योंकि गांव में है, बीरबलपुर है, दूर पड़ता है शहर से, लेकिन जो भव्य नजारा श्री कृष्ण राधा जी का देखने को मिल गए मुझे लगता है कि भक्त की जो संख्या है वो आगे से और बढ़ेगी। हाँ, यही उम्मीद है जी, उम्मीद यही है कि बड़ा प्रोग्राम होएगा, अच्छा प्रोग्राम होएगा, तभी लोग जुड़ पाएंगे, तभी लोग आते रहेंगे। सो जेकर गल करिए सो भव्य नज़ारा जेड़ा देखने मिलेगा गौशाला है जिथे की पूजा होंगी है। सो हर कोई जन्मदिन या कोई भी खुशियां दे कोई गल होंगी तो गौशाला में आते हैं। सो लगातार जेड़ा इस मंदिर दे विच इस्कॉन मंदिर दे विच अपनी अकल अलग अलग पहचान तो जेड़ा जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता। सो शामानंद जी साढ़े नाल जुड़े ने, सो उन्होंने गल करते हैं। सर किस तरह का तैयारी है पहली बार बीरबलपुरा में गौशाला में इस्कॉन मंदिर का जो भव्य नजारा देखने को मिलेगा, श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे और अलग से तैयारी इस बार इस मंदिर में चल रही है। सो टाइम अभी काफी है लेकिन मंदिर के जो भक्त हैं जो अनुयायी हैं उसको लेकर उत्साहित हैं। हरे कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आप सब लोगों को जान करके बहुत प्रसन्नता होगी, इस्कॉन जो विश्व भर में संस्था है और उसके केंद्र आपके अमृतसर में भी 3 केंद्र हैं, जिस प्रकार से आपको पता है कि ये 3 केंद्र हैं लक्ष्मण सर चौक में, वृंदावन गार्डन में और जहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सारा नज़ारा। ये एकदम पंजाब की जो हरियाली खेतों के बीच में जो ये सुंदर सा मंदिर है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और जन्माष्टमी के दिन नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन अलग अलग मंदिरों में सब लोग जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जन्माष्टमी का एक दिन छोड़ करके 21 अगस्त 2022 रविवार को यहाँ पे शाम को 5 से 8 कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इसमें आज से ही लोग इतने उत्साहित हैं कि लोग ये कह रहे हैं प्रभु जी कितने बजे होगा, कितने बजे होगा और कितने बजे तक चलेगा और क्या क्या होगा। तो यहाँ पे एक विशेष उत्सव इस बार की जाने वाली है। जो भगवान है यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में अभी तक पूरे तरह से पुष्प अभिषेक, फूलों का अभिषेक, फूलों का पूरी तरह से भगवान, जो बड़े वाले भगवान आप दर्शन कर पा रहे हैं वो दर्शन, भगवान के दर्शन जो हैं पूरे तरह से अलग अलग फूलों के से अभिषेक किया जाएगा और पूरे 5 फीट के भगवान जो हैं वो उतना भरा हुआ रहेगा फूलों से। तो ये विशेष रूप से इस बार मनाया जाएगा, झूलन यात्रा होगी और सब भक्तों में बहुत उत्साह भरा पड़ा है, कोट कोट के भरा पड़ा उत्साह सब लोग। मैं बात करूं तो वृंदावन मथुरा में तो उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन इस्कॉन का जब नाम आता है तो एक भक्ति रस की धारा निकलती है इस्कॉन के नाम से, क्योंकि इस्कॉन को खासकर जाना जाता है कि राधा कृष्ण के भक्त भक्त जो है वो हमेशा भक्ति रस में डूबे रहते हैं। जी, तो आपने एकदम सही बात बोला। देखिए आप वृंदावन मथुरा की बात कर दिए तो वृंदावन गार्डन स्वयं वृंदावन है और ये जो आप जहाँ पे अभी दर्शन कर पा रहे हैं ये गौशाला जो है ये गोकुल गौशाला, ये भी गोकुल है तो ये भी वृंदावन मथुरा। दोनों के भव्य दर्शन यहाँ भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, उनसे आपको वृंदावन का फल आपको अमृतसर में मिलेगा। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है, अभी 10 दिन 12 दिन है, वृंदावन गार्डन में भी आइए, लक्ष्मण सर में आ सकते हैं 19 तारीख को, दोनों वहां पे है।
और 21 तारीख को यहाँ पे एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम है, कहीं और नहीं है। 21 तारीख को, 21 तारीख को आइए और भगवान के साथ में गोकुल के दर्शन यहाँ पे होंगे। गोकुल में गौ माता के भी दर्शन होंगे, ठाकुर जी के भी दर्शन होंगे, राधा कृष्ण का झूला झूला सकते हैं आप, भगवान को पुष्प अभिषेक कर सकते हैं, उनके लिए 56 भोग ला सकते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के ला सकते हैं, अलग अलग प्रकार का आनंद ले सकते हैं। यानी कि हम श्री कृष्ण की लीला जो है वो 19 से लेकर 21 तारीख तक इस्कॉन में देख सकते हैं अलग अलग प्ररूप में। जी, तो 19 को भी है, 20 को भी है और 21 को भी है, तीनों दिन का कार्यक्रम है। आप तीनों दिन आनंद लीजिए और भगवान की तरफ अपने आप को आकर्षित कर करके भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। और जो संसार में दुख से सब लोग परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, ये सब चीजों से छुटकारा पा करके आनंद लीजिए। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा विशेष तौर पर इस बार बीरबल बुरा में पहली बार जन्माष्टमी का भगवान श्री राधा कृष्ण जी विराजमान है, सो एक बार पहली बार जो यहाँ पर एक भव्य नजारा देखने मिलेगा, गांव का क्षेत्र है लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आते हैं और गांववासी भी आते हैं, सो कैसा उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं और कैसा उत्साह है इस बीरबलपुरा में? ये एक बहुत बड़ा चीज है, ये सिर्फ अमृतसर का गाँव नहीं है, ये पूरे पंजाब का पहला गाँव है जहाँ पे हमने ये गाँव के अंदर इस्कॉन मंदिर का निर्माण हुआ। ये पूरे पंजाब का फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल है विलेज एरिया में, पिंड में जिसको बोलते हैं पंजाब में, पिंड में, गांव में ये पहला मंदिर है। तो यहाँ गांव वाले बहुत खुश हैं कि यहाँ इस एरिया में दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था, आप लोगों ने यहाँ मंदिर बनाया। यहाँ पे सब लोग आते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग आते ही आते हैं, क्रिश्चियन भाई लोग भी आते हैं, मुस्लिम भाई लोग तो यहाँ है नहीं, सिख भाई लोग, सब लोग यहाँ पे आते हैं, सब लोग मिल कर करके हम साथ में भगवान के उत्सव में साझा त्यौहार मनाते हैं। जी, साझा त्यौहार मनाते हैं। और ये देखिए भगवान कृष्ण जो है ये आनंद का रूप है, इसलिए हम लोग गाते भी हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर में कृष्ण भयो नहीं गाते हैं, आनंद भयो, जो कृष्ण है ये आनंद का रूप है, इसलिए हम लोग आनंदित होकर करके इस पर्व को मनाते हैं। लोग भी आनंदित होंगे, गांव वाले भी आनंदित होंगे क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व रात के समय का होता है और लोगों को दूर से शहर में जाना पड़ता है, चाहे दुर्गाना मंदिर हो, इस्कॉन मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां पे भव्य रूप देखने को जाना पड़ता है, लेकिन अब उनके पास में जो आस पास के गाँव वाले उनको एक भव्य दर्शन यहाँ को देखने को मिलेंगे, एक भव्य नजारा एक लीला देखने को मिलेगी श्री कृष्ण की। तो इसमें बहुत विशेष विशेष प्रकार के लीलाएं भी आयोजित की जा रही है और इसमें सबसे विशेष बात है कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मंगाई जा रही है। भगवान का जो पोशाक है वो कहीं और बन रहा है, कहीं बाहर बन रहा है, भगवान के जो पोशाक का जो ड्रेसिंग करेंगे वो कोई और होंगे, जो भगवान के जो उस दिन स्पेशल पुजारी होंगे वो अमृतसर के बाहर के आ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार जो यहाँ प्रवचन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अलग अलग इस्कॉन के फेमस कीर्तनियां जो हैं वो आकर के करने वाले हैं। तो ये बहुत आकर्षक होना है ये कार्यक्रम। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये जो विशेष मंदिर है इस जगहों पे और एकदम खुले मंदिर आप दर्शन कर पा रहे हैं, यही बात करना चाहूंगा, भव्य दर्शन तो होंगे, श्री कृष्ण जी के हमेशा होते रहे और दुनिया में होते रहेंगे, लेकिन मैं इस मंदिर की बात करूंगा, जैसा ये प्रांगण दिख रहा है, जैसा ये खूबसूरत दृश्य मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरह एक वातावरण जो है शुद्ध वातावरण और खूबसूरत बिल्कुल एक शांति का माहौल है, और जब आनंदमयी रात आएगी, जब आनंद उत्सव होगा तो एक माहौल अलग होगा क्योंकि हरियाली भी है और खुशहाली भी है। जी, तो ये उसी प्रकार से सोच के बनाया गया क्योंकि आजकल लोग शहरों में छोटे छोटे जगहों पे रह कर करके बंधे हुए रहते हैं और मंदिर भी छोटे जगहों पे होने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति को वो फीलिंग नहीं आती है। अभी दो दिन पहले की बात है, एक भक्त हमारे पास मुंबई से आए, बहुत बड़े कंपनी के, बहुत बड़े पोस्ट पे, और यहाँ पर आकर के उनको इतना आनंद आया कि उनका मेडिसिन जो सर दर्द का मेडिसिन वगैरह लेते थे वो मेडिसिन तक भी नहीं उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये है आनंद और ये है खुले स्थान का और ये है विशेष प्रभाव गौ माता के बीच में भगवान के मंदिर का। ऐसा दुर्लभ दृश्य जहाँ पे देसी गौ माता की सेवा हो रही हो, जहाँ पे जो देसी गौ माता का नाम गौ माता को चराने का कृष्ण का नाम गोपाल पड़ गया, तो ऐसे गौ माताओं के बीच में सुंदर दृश्य आपको ये ठाकुर जी का मिलेगा और यहाँ पे आनंद बरसने वाला है, इसलिए सब लोग आनंद को लूटने के लिए आ जाइए। सो लूटने के लिए आते हैं आनंद को और आते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात करूंगा गौशाला की, सो गौशाला में भी कोई लोग खुशियों के वक्त, चाहे जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी खुशी का पल हो, सो गौ माता की पूजा करने आते हैं, सो गौ जो है काफी बड़ी संख्या में देखने के मिलती है, तो मैं एक बार अपने कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार गौशाला का भी जरा प्ररूप दिखाएं, भव्य दर्शन कराएं। जी,
सो हर तरह की यहाँ पे सुविधा देखने को मिलेगी। जो कर बात करें कि यज्ञ हवन यज्ञ को भी एक विशेष रूप से सनातन धर्म में माना जाता है। सो हवन युग का हवन यज्ञ जो यहाँ पर विशेष तौर पर जो कुंड बनाया गया उसके बारे में भी हम पूछेंगे भी किस तरह ये सोच समझ कर ये एक पूरा जो आप भव्य दर्शन सामने मंदिर देख सकते हैं, सामने मंदिर है उसके बिल्कुल सामने हवन कुंड है। और पूछेंगे श्यामानंद जी कैसा लगता है और कैसा माहौल है कि जब हवन यज्ञ यहाँ होता होगा तो और आनंद आता होगा जी। तो यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं ना कि ऑल इन वन फैसिलिटी है इस गौशाला और ये मंदिर के अंदर ऑल इन वन फैसिलिटी है। ये कैसे संभव है कि आप देखिए किसी का जन्मदिन होता है तो व्यक्ति सोचता है हवन करा लें घर में, तो हवन भी यहाँ कर सकते हैं। कीर्तन करने के लिए मंदिर, दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर यहाँ पे है। केक कटिंग करना है केक कटिंग कर लीजिए। गौ माता को चारा डालना चाहते हैं गौ माता को चारा डालिए। तुलसी माता की परिक्रमा करना चाहते हैं देखिए तुलसी माता की इतनी सुंदर परिक्रमा बनी हुई है। तो यहाँ पे हर चीज एक साथ एकत्रित है और बम्पर ऑफर है यहाँ पे। धर्म का आनंद लेने के लिए, श्री कृष्ण जी की लीला का आनंद लेने के लिए जो बीरबलपुरा में गौशाला है वहां पे पूरी जगह है, हर तरह का जो धर्म से रिलेटेड जो भी आप सोच के आते हो वो पूरा आनंद मिलेगा जी। तो ये धर्म से रिलेटेड भी होता है और यहाँ पे बच्चे आकर के अपना टाइम पास भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं ये ग्राउंड में। मतलब आप परिवार के साथ में आइए, अपने बच्चों को खेलने कूदने में लगाइए, आप भजन भक्ति में लगिए और बच्चों को भी संस्कार मिलेगा, आपको भी संस्कार मिलेगा। इस्कॉन में बच्चों का ही रूप जो है श्री कृष्ण जी, वैसे ही नंद उत्सव आ रहा है और श्री कृष्ण लीला आ रही है तो बच्चे तो खुद भगवान का रूप है जी। तो आप देख सकते हैं इधर आपके दूसरी तरफ है यहाँ पे, इसको हमने उत्सव मंडपम बनाया। यहाँ पे ठाकुर जी का सुंदर सा झूला बनेगा और इसमें झूला झूलाएंगे हम सब लोग और यहाँ पे सारे प्रकार का आनंद लुटा जाएगा। यहाँ पे सबके लिए बहुत शुद्ध स्वादिष्ट और बहुत प्रकार के व्यंजन आप लोगों को 56 भोग का प्रसाद खिलाया जाएगा उस दिन। मैं एक और सवाल, ये जो आपने सोलर सिस्टम लगाया है इसको भी पूरे क्या क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सोलर सिस्टम जो है ये हम लोग सारा कुछ इस गौशाला में जितना भी कुछ बनाया जा रहा है सारा कुछ हमें आज के समय में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर यूज करके सारा सोलर सिस्टम चलता है। ऑटो ऑन ऑटो ऑफ होता है, इसको कोई चालू करने का स्विच नहीं हमारे पास। रात को अंधेरा होने के बाद अपने आप चालू हो जाता है और सुबह जैसे उजाला होता है दिन खुल जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे सेट पे देख सकते हैं इतने सारे सोलर प्लेट्स हैं। तो ये पूरी एनर्जी सेविंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पूरा यहाँ पे आप समझ सकते हैं पूरी तरह से सोलर सिस्टम पे ही पूरा गौशाला का एसी से लेकर के हर चीज पंखा लाइट सब कुछ उस पे चलता है। यहाँ पे कि बारिश का पानी भी हम संचित संरक्षित करते हैं जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं हमारे पास, वो भी व्यवस्था पूरी तरह से एक एक बूंद बारिश का पानी हम ग्राउंड के अंदर डालते हैं। यानी कि जहाँ भव्य दर्शन होते हैं वहाँ प्रेरणा भी लोगों को देते हैं। यहाँ पे हमने लोगों के लिए सोशल अवेयरनेस के लिए सारा इंतजाम हमने यहाँ पे करके रखे हैं कि आप लोग भी अपने घर में सोलर सिस्टम का उपयोग करिए, अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग छत के जो पानी है आपके गटर में चला जाता है उसको आप स्टोर कर करके आप जमीन के अंदर डालिए। कि आज भी मैंने पढ़ रहा था कि यहाँ पे मुश्किल से 20-25 शहर हैं, 20-25 छोटे छोटे कस्बे शहर हैं जो कि बचे हुए पंजाब में जिसमें पानी ठीक है, बाकी हर जगह पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। आने वाले हमारे जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा तो इससे अच्छा है कि हम आज से उस पर ध्यान दें और हम बरसे को पानी को हम जमीन के अंदर डालें। मेरे को एक और चीज जो आने वाले समय में देखने मिलेगी, जैसे सर्दी आती है तो धूप का आनंद भी अलग से यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हरियाली है पार्क है सो लोग यहाँ पे धूप का आनंद भी लेने आते हैं, जहाँ भगवान के दर्शन करते हैं वहाँ बैठने का भी एक सिस्टम धूप तो का आनंद। यहाँ पे हर शनिवार रविवार को जब लोग आते हैं दिन में आते हैं और दिन भर धूप सेकते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं भजन करते हैं, अपना पिकनिक भी मनाने के लिए आते हैं लोग, अपने घर से भी कुछ लेके आते हैं और यहाँ पे पूरे परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ये हर तरह से हर प्रकार से निशुल्क है, मनाते हैं लेकिन स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये हमारा पूरा एरिया कैंपस नो प्लास्टिक जोन है, हम प्लास्टिक यहाँ पे यूज नहीं करते हैं शुरुआत से जब से हमने ये बनाया है। आज हमारा दूध भी जाता है वो कांच के बोतल में जाता है, तो हमारे नो प्लास्टिक जोन है। हम हर चीज समाज में एक शिक्षा देने के हिसाब से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो ठीक है श्यामानंद जी, आप बढ़िया काम कर रहे हो और इस्कॉन तो वैसे ही एक नाम है जिसको लेकर किसी तरह की कोई शंका नहीं है। सो गौशाला के बारे में देखेंगे हम। सो हिंदू धर्म के विच गऊ नू माता दा जिहड़ा रूप दस्सिया गया गऊ माता कहा जांदा और गऊ माता की सेवा सब तो वड्डी सेवा है। सो श्यामानंद जी गौशाला है जहाँ पर सेवा भी हो रही है, एक आस्था भी दिख रही है और जो कर बात करें तो एक दूध की स्वच्छता भी नजर आती है जी। तो ये दूध इनको कह नहीं सकते हैं, ये तो अमृत है, ये भगवान गौ माता की जो कृपा मात्र में मिलता है उसको हम दूध के रूप में हम स्वीकार करते हैं
और यहाँ पे विशेषता इस गौशाला की ये है कि आप देख सकते हैं सारी गौ माता देसी गौ माता है। देसी गौ माता का पहचान क्या है, आप ये देख सकते हैं हर गौ माता के कंधे पे हंप होता है, ये ऊंचा दिख रहा होगा आपको, ये कंधे के ऊपर ऊंचा सा हंप बना हुआ है, देखिए इस गौ माता को, ये है देसी गाय का पहचान। और ये गले में ये जो लटकन है इसको गल कम्बल बोलते हैं, ये पहचान है गौ माता का। और ये इसका दूध देसी गाय का मतलब कि दूध का क्या फ़र्क होता है इसका? इसका दूध का ये फ़र्क होता है जिस प्रकार से पूतना और यशोदा मैया का दूध का फ़र्क था कृष्ण के लिए, तो इस गाय का दूध को अमृत कह सकते हैं। दूसरी गाय का दूध तो हम अमेरिका में भी बैन है, अमेरिका जैसे शहर में भी देश में भी बैन है ऐसे गाय का दूध। अभी ये जो देखिए अभी इनको जो किया जा रहा है, आज जो बीमारी चली है लंपी स्किन डिजीज, तो उसके लिए उसके बचाव के लिए हम प्रॉपरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जिससे रोजाना जी रोजाना करते हैं दिन में दो बार, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिससे कि गौ माता में जो नहीं आया बीमारी आगे भी नहीं आए उसके लिए ट्रीटमेंट है ये। तो इसी प्रकार से हर एक कार्य यहाँ पे ऑर्गेनिक किया जाता है, यहाँ पे जो हरा चारा खिलाया जाता है जिसको पंजाब में पट्टे बोलते हैं ये भी ऑर्गेनिक होता है, इसमें भी कोई केमिकल किसी प्रकार की यूज नहीं किया जाता है। और जो गौ माता दूध निकालते हैं इसमें कोई हम इसमें शोषण नहीं करते उनको, जो उनके बच्चे दूध छोड़ते हैं पी कर करके उतना ही दूध निकालते हैं। तो गर्मी से बचाव के लिए देख सकते हैं भी किस तरह बड़ा पंखा भी लगाया गया है, सो हर तरह की रख रखाव किसी तरह की स्वच्छता से लेकर कोई भी समझौता ना, स्वच्छता के प्रति उसको लेकर पूरा ध्यान रखा जाता है। और जो बात करें तो ये गौ माता के बच्चे भी जो एक साइड पर रखे गए हैं जी, तो ये आप देख सकते हैं बाकी गौशाला आपको बच्चों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बछड़ियाँ मिलती है देखने को, और बछड़े को उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पास जितनी भी गौ माता है उसके लिए बछड़े हो बछड़ियाँ हो सबको हम इक्वल तरह से डील करते हैं। और हम अलग अलग कंपार्टमेंट है, ये बच्चों का कंपार्टमेंट है, ये अभी जो हमारी गाय बीमार है उनके लिए अलग कंपार्टमेंट है, जो मिल्किंग काउ है उसके लिए अलग कंपार्टमेंट है, और ये जो गाय अभी आज या कल में माँ बनने वाली है डिलीवरी करने वाली है बच्चों को जन्म देने वाली है इसका अलग कंपार्टमेंट है, जो नॉन मिल्किंग काउ है और जो जो दूध नहीं देती है या जो बैल हैं जो बूढ़ी गाय है जो बीमार गाय है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है 70-75 है हमारे पास, तो वो सेवा उसी तरह सेवा सेम सेवा है उनको अलग कंपार्टमेंट है। तो हम यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं किसी भी गाय माता को किसी भी प्रकार के 24 घंटे ध्यान रखा जाता है, 24 घंटे यहाँ पे सेवा हो जाती है और यहाँ पे 24 घंटे उनके लिए जो भी जरूरत होता है यहाँ पे एक ग्वाला 24 घंटे सेवा में रहता है। सेवा में रहता है, लेकिन जो हम दूध से जो दूध की शुद्धता की बात करें तो उसको भी दिखाएंगे कि इस तरह शुद्धता को लेकर कोई समझौता नहीं होता। सो जो बात कर रहे थे श्यामानंद जी कि दूध जो है बॉटल में जाता है, तो पवित्र जो अमृत कहते हैं वो बॉटल में कैसे जाता है, कैसे सर्व होता है, ये भी देख सकते हैं किस तरह लोगों को ले जाता है। सो इस बॉटल में पैक होकर जाता है जी। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बॉटल है, हम नो प्लास्टिक यूज़ करते हैं और कोई भी ऐसे हाथ लगाने का बार बार नॉन टच बोलते हैं जिसको बोलते हैं डंट, मतलब कि कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी हम जो करते हैं। ये दूध का बोतल हम यहाँ पे भरते हैं और ये बिना पैस्चराइज किया हुआ है, नेचुरल मिल्क है और ये सीधा लोगों के घर तक पहुँचता है। और ये हमारा ब्रांड है, आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंटेड है बोतल, तो बोतल प्रिंटेड है, इसमें सारा ये हमारा क्वालिटी है और ये A2 मिल्क है, प्योर A2 मिल्क, यानी कि जहाँ से पैक होगा और जिनके घर सप्लाई होगा वहीं जाके खुलेगा, वहीं रुकेगा। आप देख सकते हैं बैग पैक कर लिया, यहाँ बाइक पे इसको लोड करेंगे, अभी लोड करते हुए देख सकते हैं जिस प्रकार से अभी ये डिलीवरी बॉय इसको लोड करेंगे और लोड कर के जाएंगे और जा करके घर पे उतार करके आएंगे। जो अगर बात करूं कि जैसे ये डिलीवरी करने जाते हैं ये भी आपके साथ ही जुड़े हैं? जी, ये हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे लिए ये कार्य करते हैं, ग्वाले के रूप में कार्य करते हैं और ये जो भी है पूरी तरह से यहाँ से इनका जिम्मेवारी से काम जिम्मेवारी से काम निभाते हैं और इनका जो घर का भरण पोषण है गौशाला की तरफ से की जाती है। गौशाला की तरफ से की जाती है, लेकिन एक बार जाते जाते मंदिर में जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में एक बार लोगों को जरूर आग्रह करें और सूचना दें। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हर प्रतिदिन कार्यक्रम होता है, लेकिन विशेष कार्यक्रम और पहली बार जन्माष्टमी का कार्यक्रम ये भव्य मंदिर जो यहाँ से आपको दिख रहा है, भव्य मंदिर इसमें कार्यक्रम होने वाला है 21 तारीख को रविवार को शाम को ठीक 5 बजे यहाँ शुरू होगा कार्यक्रम। बिना लेट करे पहुँचे यहाँ पे, नहीं तो आप कुछ कार्यक्रम का कुछ पार्ट आप मिस कर देंगे। और ये कार्यक्रम 7:30-8 बजे तक चलेगा और उसके बाद सबके लिए
56 भोग का प्रसाद होगा, आप लोग सब लोग आइए और पूरे भटपेट प्रसाद खाइए, डिनर प्रसाद भी हमारे साथ होगा। कृष्ण लीला का आनंद 21 तारीख को बीरबलपुरा में गौशाला और इस्कॉन मंदिर, जहाँ की एक अलग रूप दिखने को मिल रहा है। सो गौशाला की गल करिए, सो गौशाला का भी तो दृश्य देखा किस तरह गऊं की सेवा की जाती, किस तरह पवित्र अमृत दुध जोड़ा वो सर्व होंगे लोगों के घर जाके और उसके नाल मंदिर के भव्य दर्शन जोड़े वो देखने मिलते हैं। सो 21 तरीक न इतने 5 बजे जो कृष्ण लीला जी है वो आनंद उत्सव जोड़ा देखने मिलेगा। सो भक्ति रस की धारा बहेगी, इस भक्ति रस का हर कोई फायदा उठाना चाहता है और भक्त दे विच एक भक्त दे रूप दे विच भक्ति रस जड़ा देखने मिलेगा। सो मैं भी चाहवागा कि एक बार जरूर बीरबलपुर जिते पहली बार जड़ा जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, सो आके एक बार जड़े भगवान श्री कृष्ण राधा जी के भव दर्शन जड़े देखे जाने।